वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। इससे आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ मार्टिन लूथर किंग द्वारा दी गई स्पीच आई हैव ए ड्रीम के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इससे पहले कि हम लोग अपने प्रोज के क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, थोड़ा सा हम लोग मार्टिन लूथर किंग के बारे में जान लें। वॉज एन अमेरिकन क्रिश्चियन मिनिस्टर एक्टिविटीज टू बिकम द मोस्ट विजिबल स्पोक्स पर्सन एंड लीडर इन द सिविल राइट मूवमेंट फ्रॉम 1955 अंटिल हिज असैसिनेशन इन 1968। मार्टिन लूथर किंग एक बहुत ही प्रभावित समाजसेवी थे जिन्होंने एक अहम रोल प्ले किया था सिविल राइट्स मूवमेंट में 1955 से लेकर अपनी मृत्यु तक। किंग इज बेस्ट नोन फॉर एडवांसिंग सिविल राइट थ्रू नॉन वायलेंस एंड सिविल डिसोबीडियंस इंस्पायर्ड बाई क्रिश्चियन बिलीव एंड नॉन वायलेंट एक्टिविज्म ऑफ महात्मा गांधी। और किंग को उनकी सिविल राइट्स मूवमेंट में के अंदर योगदान के लिए बहुत माना जाता है, क्योंकि उन्होंने इस सिविल राइट मूवमेंट को अहिंसा के रास्ते पे लेके चलाया था, बिल्कुल महात्मा गांधी के जैसे। किंग पार्टिसिपेटेड इन एंड लेड मार्चेस फ्रॉम और ब्लैक राइट्स टू वोट, डिसएग्रीगेशन, लेबर राइट्स एंड अदर बेसिक सिविल राइट। किंग ने बहुत सारे आंदोलनों में भाग लिया जिसमें कि उसने ब्लैक लोगों के लिए वोट का हक, उनके बराबर हक दिए जाने का हक के लिए आवाज़ उठाई। किंग लेड द 1950 मोंटगोमरी बस बॉयकॉट एंड लेटर बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द सदरन। वो सदरन क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस के पहले प्रेसिडेंट बने। एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द SCLC ही लेड अनसक्सेसफुल अल्बेनी मूवमेंट इन अल्बेनी जॉर्जिया एंड ऑर्गेनाइज्ड सम ऑफ द नॉन वायलेंट 1963 प्रोटेस्ट इन ब्रिंगहम अलबामा। किंग हेल्प ऑर्गेनाइज द 1963 मार्च ऑन वाशिंगटन वेयर ही डिलीवर्ड हिज फेमस। और उन्होंने अपने जीवन काल के दौरान बहुत सारे आंदोलनों को शुरू किया जिसमें से बहुत सारे कामयाबी हुए, बहुत सारे फेलियर भी साबित हुए। और जो आज हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं ये भी एक्चुअली में उनके मार्च ऑन वाशिंगटन आंदोलन में दी गई एक भाषण है जिसे उन्हें लिंकन मेमोरियल के ऊपर डिलीवर किया था। तो ये थी ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन हमारे राइटर मार्टिन लूथर किंग के बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर मेन टॉपिक, दैट इज़ मार्टिन लूथर किंग्स आई हैव अ ड्रीम। What whose appalling condition does the speaker dramatize? कि इस प्रोज के अंदर, इस भाषण के अंदर राइटर ने या मार्टिन लूथर किंग ने किन लोगों की तरस योग्य या दुख भरी हालत की को बताने की कोशिश की है। और हमें पता है कि उसने इस भाषण में ब्लैक या एफ्रो अमेरिकन या निग्रो लोगों के तरस योग हालातों को बड़े बाखूबी ढंग से हार्ट टचिंग मैनर में हमारे सामने रखा है। द स्पीकर हैड ड्रामाटाइज द अपालिंग कंडीशन ऑफ द निग्रोज इन अमेरिका। स्पीकर ने निग्रो की तरस योग हालातों को इस लेसन के अंदर हमारे सामने रखा। इसे दैट निग्रोस आर स्टिल नॉट फ्री इन अमेरिका। वो ये मानता है कि आज भी जो निग्रो लोग हैं वो अमेरिका में आज़ाद नहीं है। इसे दैट निग्रोज आर स्टिल डिस्क्रिमिनेटेड बाई वाइट अमेरिकन सोसाइटी। उसके मुताबिक निग्रो लोगों को अमेरिका को आज़ादी मिलने के बाद भी निग्रोज को आज़ादी नहीं मिली, क्योंकि आज भी उनके साथ वाइट अमेरिकन समाज भेदभाव भरा बर्ताव करता है। दे वर नॉट गिवन इक्वल राइट्स एंड फ्रीडम इन अमेरिका। आज भी उनको वाइट लोगों के जैसे बराबर हक और आज़ादी और अधिकार नहीं दिए गए। इनफैक्ट दे वर डिस्क्रिमिनेटेड, सेग्रीगेटेड एंड विक्टिमाइज बाई द वाइट अमेरिकन सोसाइटी। और ये कहना भी गलत नहीं होगा, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उनको आइसोलेट किया जाता है और उनको अपने भेदभाव और घृणा का शिकार बनाया जाता है वाइट अमेरिकन सोसाइटी के द्वारा। व्हाट अकॉर्डिंग टू किंग इज द अर्जेंसी ऑफ द मोमेंट दैट नीड टू बी एड्रेस। राइटर क्यों कहता है कि अब वो क्षण आ चुका है कि इस भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी हो चुका है। क्यों ये इतना ज़रूरी हो चुका है? द स्पीकर एम्फसाइज ऑन द अर्जेंसी ऑफ द मूवमेंट विद रेफरेंस टू एंश्योर फ्रीडम एंड इक्वालिटी ऑफ नेगरो एंड टू मेक द रियल प्रोमिसज ऑफ डेमोक्रेसी। राइटर इस चीज़ के लिए, इस चीज़ के ऊपर जोर दे रहा है कि टाइम आ चुका है कि निगरों को बराबर आज़ादी और बराबर अधिकार दिए जाएं, ताकि जो वादा उनसे आज़ादी के वक्त अमेरिकन लोकतंत्र ने किया था उन वादों को वो लोग हकीकत में तब्दील कर सके। ही सेड दैट इट वुड बी डेंजरस फॉर द नेशन टू ओवरलुक द एजिटेटेड मूड ऑफ निगरोस। राइट, मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि अगर सरकार ने निग्रोस के इस रुख को
नहीं समझा और इस मूवमेंट को ओवरलुक किया तो ये अमेरिका के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है. ही ऑल्सो सेज दैट इफ निग्रोज और ब्लैक और नॉट गिवन इक्वल राइट्स इट विल ऑल्सो इफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ वाइट अमेरिकन सोसाइटी एज ए होल. वो ये भी जानता है, वो ये भी वाइट अमेरिकन समाज को सरकार को बताना चाहता है कि अगर निग्रो को बराबर हक नहीं दिए गए तो उनका विकास ना होना वाइट अमेरिकन सोसाइटी और अमेरिका के विकास के ऊपर भी उतना ही असर डालेगा. ही इंसिस्ट दैट इट इज़ टाइम टू ओपन द डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन एंड लिफ्ट द नेशन फ्रॉम रेशियल इनजस्टिस टू द सॉलिड रॉक ऑफ ब्रदरहुड. वो कहता है कि समय आ चुका है जब मौकों के दरवाजे जो हैं वो ब्लैक और वाइट लोगों दोनों के लिए खोल दिए जाएं और भेदभाव के बर्ताव को और जो अन्याय ब्लैक्स के ऊपर कई सालों से किया जा रहा है उसे भुलाकर एक नया रिश्ता भाईचारे का वाइट और ब्लैक के बीच में नई शुरुआत की जाए. तो ये थी हमारी आज की वीडियो. उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें. न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स.